चुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। क्या बात है नीलांजना, क्या कमाल गाया। मेरे ख्याल ये नवरात्रि का जादू जो है ना सब पे चल चुका है। विशाल क्या कहते हैं यार? नीलांजना, हर बार जब आप गाती है ना, एक तो आप जादू बिखेरती हैं, आज तो और भी ज्यादा, क्योंकि इतना सुरीला, इतना मधुर गाना, इतना डिफिकल्ट गाना, स्पेशली जो अंत की तरफ जो हो रहा था गाने में, बहुत बहुत मुश्किल है गाना। एंड आपकी आवाज इस गाने को पूरी तरह 100% सूट करता है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं एकता की बात करना चाहता हूँ। ये भजन है इतना खूबसूरत, राधा जी का भजन, लेकिन लिखा किसने है? जावेद अख्तर साहब ने, और बनाया किसने? A.R. रहमान ने। इससे बड़ी एकता की बात मैं समझता हूँ कि हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान में। और नीलांजना, मैं तुम्हारे बारे में इतना कहना चाहता हूँ, यू हैव अ फ्यूचर एज अ प्लेबैक सिंगर। नीलांजना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए प्लीज, आइए जजेस और हमारी खास गेस्ट, बोला आप सबको बधाई हो। मैं बताता हूं क्यों, इसलिए कि आज हमारे शो में होंगे राइटर और फिल्म्स एंड एड फिल्म्स के डायरेक्टर मिस्टर अमित शर्मा है उनके साथ, द रॉक स्टार, द थिंकर, द ब्लॉगर, द सिंगर एंड द यूथ आइकॉन। पहली ही फिल्म में दो दो फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाला, टेलीविजन का चावल पुराना, आयुष्मान खुराना। ये क्रेजी कॉन्सेप्ट आया कहां से? यार ये मैंने 2015 में एक वन लाइनर सुना था। हाँ हाँ। 51 ईयर ओल्ड मदर प्रेग्नेंट हो गई। ओके। तो वहां से मैं तो लपक गया इसको, और मैंने कहा भैया ये तो पूरी फीचर फिल्म है, इसको लिखना चाहिए। रात 9 बजते ही घाघरा पहनकर गली गली भटकने वाला कुणाल घाघरा वाला। ए लहू लग गया,
लग गया ए लहू लग गया लबों के छूने से खाबों के कोने से लबों के छूने से खाबों के कोने से बच के सबसे लब ये रग से रग हुआ लब लब से लहू मुलग गया ए लहू मुलग गया ए लहू मुलग गया घोर झरे झोर मारू मोर बनी धन घट करे मन मोर बनी धन घट करे मन मोर बनी धन घट करे भाई 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 भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा ये भला मोरी रामा भला तारी रामा भला मोरी रामा भला तारी रामा भाई 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 भला मोरी राम भला तारी राम भला मोरी राम भला तारी राम ये भला मोरी राम भला तारी राम भला मोरी राम भला तारी राम ये भाई भाई माहौल जमा दिया यार, मतलब देख रहे थे जजेस उठ, क्या बात है विशाल, क्या कहना है यार? यू नो, आपने गाना शुरू किया उसके पहले मैं ऋचा जी से यही कह रहा था कि इस बंदे को स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड ही करना चाहिए. इसकी आवाज़ ऐसी है कि मतलब पूरी तरह से प्लेबैक है और हर तरह के गाने को जस्टिफाई करती है. इस शो के शायद सबसे छुपा रुस्तम सिंगर हो आप. यू नो, लोग समझ नहीं पा रहे कि किस लेवल के कलाकार हो. यू आर ट्रूली इनक्रेडिबल. एक ऐसी परफॉर्मेंस देना, गानों को इस तरह मैशअप करना, यू हैव डन अ फिनोमिनल जॉब. आई लव्ड इट. कांग्रेचुलेशंस. मैं फिर से बोलती हूँ कि वाकई ये होता है कि आप हर तरह के गाने में घुस जाओ, किसी भी रास्ते से निकल जाओ. दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. अमेजिंग कुणाल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. सुपर. थैंक यू. सबसे पहले तो 1 2 3 गो. भाई 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 भाई. एक्चुअली समझ नहीं आ रहा गाना कब खत्म हुआ. तीन बार गया मैं, वापस चला गया, फिर आया, फिर मेरा खत्म नहीं हो रहा यार. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट परफॉर्मेंस. आप 4 बार 5 बार तालियां ले लेते हो एक परफॉर्मेंस. ये बात तो है यार, कमाल कमाल कमाल. थैंक यू. आई कांट बिलीव इट. No, I really can't believe it. एक सेट पे दो कैसे हो सकते हैं? कुणाल पंडित, आपने आज मौसम बदल दिया.
मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि मैं आपके साथ पानी दा रंग अगर दो लाइन हो जाए गाना चाहूंगा। रांझणा ना आया मेरा माहिया ना आया माहिया ना आया मेरा रांझणा ना आया खांदा नूर देख के अखांदा नूर देख के अखियां चो हंजर उड़ गए अखियां चो हंजर उड़ गए अखियां झंझर उड़ दे ओ अखियां झंझर उड़ दे थैंक यू सो मच वेल डन थैंक यू सो मच पानी दा रंग देख के चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने हो चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जय माता दी चलो बुलावा आया है माता ने देखो अपने पांव के छालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को हो जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही चैन भी पाया अपने गले लगाया जो तवालिए मैं आया शेरवालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जो तवालिए ओ जोर से बोलो ओ सारे बोलो ओ मिलकर बोलो आवाज ना आई जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय
क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं देख रहा था तुम यहाँ पे इतने मगन होके गा रहे थे। अन्नू जी, मैं देख रहा था अन्नू जी एक कमाल का स्पेशल कनेक्ट फील कर रहे थे। अन्नू जी क्या कहना है? मैं दिल से बताना चाहता हूँ सलमान, जो आवाज़ दिल को धड़का दे और आंखों में आंसू ले आए, हम उसे आवाज़ मानते हैं। और माता रानी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जब तुम गा रहे थे मुझे ऐसा लगा कि मैं अधकुमारी पहुँच चुका हूँ और अब अधकुमारी से बस थोड़ी दूर माँ के दरबार में पहुँच जाऊँगा। बहुत बढ़िया गाया है। ये जो मेरा बच्चा है इसकी अरदास है कि इसके दांत आ जाएं। लेकिन दांतों से ज्यादा एक अरदास ये हमेशा लगाता है, अपने मन से पुकार आती है कि मुझे बहुत सारे वोट्स मिले। सोचा है तो पूरा भी हुआ है। सलमान को मिले हैं सबसे ज्यादा वोट्स यार। एक बार इसी बात पे इसको सबसे ज्यादा वोट मिले। विशाल, ऋचा, नेहा, मौसम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट इतना ही नहीं, आज हम इसे एक हैम्पर भी देंगे। कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज? अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, इधर आ। तेरे को बहुत डांडिया खेलने का मन हो रहा है, खुद तू डांडिया जितना लगता है। एक सेकेंड, ये पकड़ बेटे, ये चिढ़ाने के लिए आया है। पिछली बार कह रहा था मैं एंकर बनूंगा, इस बार ये कपड़े भी पहन के आ गया डांडिया वाले। तू डांडिया करेगा, म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक। स्कर्ट पहन के आया है तू, चल। काम छोड़ के डांस करवा ले इससे, डांस करने आया तू, इधर मौके चाहिए। क्या बात है यार, सलमान को मिले सबसे ज्यादा वोट्स और इनकी गायकी से पूरे हिंदुस्तान के चेहरे पे एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आई है। तो इस खूबसूरत स्माइल को कैप्चर किया जाए एक पिक्चर। बेटा घर जाओ, अपने दांत मांजो, पड़ोसियों के भी मांज दो, पूरा हैम्पर मिला है, कोई मोहल्ले में छोड़ना मत, जाओ। और अब दिलों पर राज करने आ रहा है अंकुश भारद्वाज। कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी
बना एक संग्राम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे अंकुश, हम कहते हैं कि जब दिवाली आती है तो रोशनी आ जाती है। आज जो तुमने गाना गाया है, मैं कहता हूं एक नहीं, तुम्हारी आवाज से हजारों दिए जल चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। नाम रे सबसे बड़ा तेरा। आज जब मैंने आपको सुना तो मुझे कहीं ना कहीं मोहम्मद रफी साहब की याद दिला दी आपने। बहुत 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 खूब, ब्यूटिफुल। और अब वो जिनके डॉक्टर माता पिता पर डॉक्टरी का भूत कुछ ज्यादा ही सवार है, कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। अरे मेहमान आने पर आइए बैठिए बोलने के बजाय ये उन्हें आते ही कहते हैं उल्टे होकर स्ट्रेचर पर लेट जाएं। कमाल है यार, ये कोई ऐसी बात होती है? रात को उन्हें मच्छरदानी की जगह MRI की बंद मशीन में सुलाने वाले डॉक्टर माता पिता की नॉन डॉक्टर बिटिया अवंती पटेल। आई मैं तो आई नजर के अनजानी जहां से लाई मैं तो लाई बाहर के अफसाने भी वहां छूना ना दूर ही रहना परी हूँ मैं परी हूँ मैं मुझे न छूना परी हूँ मैं फूलों में जुनून है कोई तो
आया बैठा बता जजिस विशाल सर नेहा मैम अनु सर अमारा चीफ गेस्ट रिचा मैम अने अमारा होस्ट मनीष ने मारा प्रणाम अमे लोका इंडियन आइडल पर आउच कई गाय छे राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम इनका तो फंडा है सिंपल से यार गोली मारो तो पंगा मारो तो प्यार राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम घनन घनन हो मेघ जो बरसे लीला ना श्रृंगार ने तरसे चुनलो ना धनी पतलो कंदोरा शोभे रानी रुड़ रंग जो बोरा प्रेम पंखीड़ा छे आराम लीला अंताड़ो चढ़िया छे आराम लीला राम लीला लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर तेरी बगनी में बैठा एक मूर मूर्खी हमेशु टेक राम लीला बदना अवंती के लिए क्या बात है अवंती यार वेल जजेस मैं चाहूंगा अवंती के स्कोर जो है वो लिख के आप रख दीजिए और अब बारी है विशाल सर क्या कहना है आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर वॉइस फ्रॉम द बिगिनिंग आज आपने पूरी तरह जस्टिफाई किया दोनों गानों में एक तो लेजली लुइस का जो परी है जो एक गाना है जो इटर्नली फ्रेश रहता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो अभी अभी नया नया बना है उसका स्टाइल नया लगता है हमेशा और दूसरे में भूमि त्रिवेदी की आवाज को स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा जिन्होंने ओरिजिनल गाया अगेन इनक्रेडिबल और इन दोनों चीज़ों को मैच करना कोई छोटी या मामूली बात नहीं है और एंड में जो आप अपनी जो बातें कहीं वहाँ पे आई रियली रियली एंजॉयड इट बहुत सुरीला गाया रियली गुड लक एक्सलेंट वेल डन मैं तो भीग गई आपकी आवाज़ में आपकी आवाज़ कहते हैं ना वो एकदम एक रसीली सी एक नमकीन सी और अच्छी बात यह है कि रूह है दोनों गाने अलग थे और दोनों को एक जगह पे लाके ऐसे मिक्स किया ब्लेंड किया अमेजिंग थैंक यू मैम थैंक यू से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना तिनका हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा हे जीरे मंदिर सुना सुना होगा भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला ओ
कविता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी ब्रज की बाला घर की बाला। है कैसा कन्यादान पिता ही कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का तन खाएगा हंस चुकेगा दाना तिनका हंस चुकेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गे सिया से रामचंद्र कह गे सिया से ऐसा कल युग आएगा हंस चुकेगा दाना तिनका हंस चुकेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हे जीरे जीरे हे मूरख की प्रीत बुरी जुए की जीत बुरी बुरे संग बैठ चैन भागे काजल का दाग भई लागे ही लागे रे भैया काजल का दाग भई लागे ही लागे। हे जीरे जीरे हो जितना चाहती हो कोई कितना सती हो कोई कामनी के संग काम जागे कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे रे भैया कामनी के संग काम जागे ही जागे। हे जीरे ऐसा कल युग आएगा हंस चुकेगा दाना तिनका कौआ मोती। जोरदार तालियां नितिन के लिए यार क्या बात है नितिन। आहा अब जरा जानना चाहेंगे जजेस से। विशाल यार नितिन के बारे में बोल ही क्या सकते हैं जिसकी आवाज में भक्ति है रामचंद्र कह गए जब गाता है हर अल्फाज में शक्ति है। टू गुड ब्रदर कांग्रेचुलेशंस मजा आ गया। मुझे भी बहुत मजा आया स्पेशली जब आपने पहला सुर लगाया स्टार्ट किया सुपर। ऐसे ही सुरीला गाते रहिए। क्या बात मौसम बदल डाला जाए क्या हो जाए। नितिन तुमने मौसम बदल दिया। जजेस बताइए तो आपके हिसाब से कौन है परफॉर्मर ऑफ द डे। अंकुश नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। कांग्रेचुलेशन अंकुश आप बनते हैं परफॉर्मर ऑफ द डे। जोरदार तालियां आइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।